जय हिंद स्टूडेंट्स मैं रुचि सिंह परिहार फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर मेजर कलसी क्लासेस तो स्टूडेंट्स सुबह के साथ बच चुके हैं और हमारी करंट अफेयर की क्लास का टाइम हो चुका है तो जल्दी से सभी जुड़ते जाओ सबको गुड मॉर्निंग सबको हिंद सौरव नरेंद्र सुंदरम यूपी सिक्सटी खुशी राखी सबको गुड मॉर्निंग बेटा तो चलिए फिर क्लास को बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं है ना सब जुड़ते जाओ शेयर करते जाओ लाइक करते जाओ सेशन को है ना ताकि और भी लोग इसको देख सके तो चलिए आज की जैसे कि हम थंबनेल में देख पा रहे हैं एक्सरसाइज वरुणा जो है ये स्टार्ट हो चुकी है और ये आपकी एक्सरसाइज जो वरुणा है ये आपकी फ्रांस के साथ होती है इसके बारे में हम जानेंगे <coughs> तो चलिए फिर उसके बाद तब तक आप लोग अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ है ना कुछ जो इंपॉर्टेंट न्यूज होंगी उसको हम लिखते हुए चलेंगे तो चलिए फिर शुरू करते हैं स्लाइड तो पहली हमारी जो न्यूज है वो है कोल्लम बिकम्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया यानी कि कोल्लम भारत का पहला क्या बन गया है संविधान साक्षर जिला बन गया है अब एक चीज आप लोग देखिए केरला में ही सारी चीजें हो रही है जैसे केरला का फर्स्ट डिजिटल विलेज तो केरला में हो गया है ना कई सारी चीजें मैंने केरला में पढ़ाई है आप सब मुझे बताते जाएंगे कॉमेंट सेक्शन में तो अभी केरला में ही ये नया कारनामा हुआ है कि कोल्लम जो है डिस्ट्रिक्ट है कोल्लम नाम का जिला है कहां पे है केरला में है ये पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है देखिए यहां पे हम केरला के चीफ मिनिस्टर को देख पा रहे हैं है ना पिनराई विजय जी, तो बिल्कुल देख रहे हो चलिए ठीक है तो फिर उसके बाद आगे इसमें बढ़ते हैं तो देखते हैं क्या न्यूज है रिमार्केबल अचीवमेंट केरला कोलम डिस्ट्रिक्ट हैज बिकम द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री मतलब पूरे देश में पहला संविधान साक्षर जो जिला बना है वो वो हमारा कौन सा बना है? वो कोलम बना है 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 कोलम ठीक और इसका मतलब क्या है? मतलब क्या के लोगों को जो बेसिक संविधान का नॉलेज होना चाहिए मतलब संविधान में जो भी सारी चीजें दी हुई हैं कि किस तरह से मतलब एक व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार होते हैं जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं इनका ज्ञान यहाँ के लोगों को है कहा के कोल्लम तो कोल्लम पहला क्या हो गया है संविधान साक्षर जिला केरला का बन गया यस yes, नरेंद्र पहला डिजिटल विलेज भी केरला में है तो उस डिजिटल विलेज का नाम भी तो बताओ आप लोग है ना सबने बिल्कुल लिखा है कि डिजिटल विलेज उसका नाम भी आपको बताना है चलिए वोट लगा हाँ हाँ स्लाइड बार तो चलिए इसमें हम और क्या देख पा रहे हैं कि ये अनाउंस कब हुआ था जनवरी पंद्रह को अनाउंस किया हुआ था और केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने अनाउंस किया था किसने अनाउंस किया था केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन ने और इसमें आपके फंक्शन प्रोसाइडेड ओवर बाई ये किसके मतलब कोल्लम के ही वहां के जो केरला के फाइनेंस मिनिस्टर है उनके द्वारा ये फंक्शन क्या किया था इसकी अध्यक्षता की गई थी और इसमें इसके तो इसके मायने मायने क्या हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के लोगों को दिस अचीवमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मतलब जिले की ये जो अचीवमेंट है जो उपलब्धि है ये कैसे हुई तो सात महीने का एक लंबा कैंपेन चला था क्या चला था सात महीने का लंबा कैंपेन कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेसी कैंपेन इसको ये क्या था संविधान साक्षरता कैंपेन चला था ये कौन सा कैंपेन चला था संविधान साक्षरता और इसको लॉन्च किया था किसने कोल्लम डिस्ट्रिक्ट पंचायत ने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी ने और केरला इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने इन तीनों ने मिलकर इन तीनों ने मिलकर इस अभियान को क्या किया था यहां पे लागू किया था यह आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है कि ये अभियान कितना किसने लागू किया था इसमें बस इतना समझ लो कि ये अभियान वही राज्य के ही लोकल प्रयास से हुआ है मतलब ये कोई केंद्र की योजना नहीं थी कि केंद्र सरकार ने योजना के तहत उसको लागू करवाया तो ये अभियान आपका वही लोकल जो राज्य के लोग थे मतलब वहीं का जो डिस्ट्रिक्ट कमेटी थी वो सबने मिलकर क्या किया है इस अभियान को लॉन्च किया है और यहां पे कोल्लम को पहला क्या बना दिया है संवैधानिक रूप से साक्षर जिला बना दिया है पूरे भारत का द कैंपेन कि वहां के जो लोकल रेसिडेंट है केरला के, मतलब में कोल्लम में रहने वाले कोल्लम एक जिले का नाम है बेटा ठीक है तो उनको संविधान का बेसिक नॉलेज होना चाहिए है ना संविधान का बेसिक नॉलेज होना चाहिए जैसे कि आप सब क्या कर हो आप सब तो अभी एजुकेशन ले रहे हो तो आप सबको तो ये सारी चीजें पता, मतलब सा, तो पता है अपने के लोगों में देखना, तो लेकिन ऐसा जिला बन गया है जहां लगभग बेसिक नॉलेज किसको है सबको है उस जिले के इज टू मेक कोल्लम कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट अंडर दिस कैंपेन मोर देन सेवन लाख फैमिलीज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आर बिंग एजुकेटेड बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो देख रहे हैं ना लगभग सात लाख लोगों को सात लाख परिवारों को यहां पे कोल्लम में क्या किया गया था उनको लिटरेट उनको साक्षरता प्रोवाइड की गई मतलब सात लाख बहुत बड़ी संख्या होती है वहां घर घर जाके जैसे हम लोग वो पोलियो का टीका नहीं लगता था घर घर जाके या जनगणना होती है तो उसी तरह घर घर जाके लोगों को संविधान के बारे में नॉलेज देना तो जरा जरा मतलब खुद इमेजिन करो कितने ज्यादा लोग वहां पे लगे होंगे तो इस तरह से अब आप लोगों का होमवर्क क्या है घर में ऑब्वियसली घर में ही बैठे हुए हो तो आपको क्या करना है है, आपको देखना है केरला का मैप खोलना है सेशन समाप्त होने के बाद है ना अभी मत चले जाना तो सेशन समाप्त होने के बाद आपको क्या करना है मैप देखना है केरला का और केरला के मैप में देखना है कि कोल्लम कहाँ पे है तो जब कभी कोल्लम घूमने जाओगे तो वहां पे देखोगे तो आपको पता होगा कि ये संविधान साक्षर जो हमारा जिला है भारत का ठीक है तो क्लियर रहा गुड मॉर्निंग मुस्कान नरेंद्र चलिए आगे बढ़ जा बेटा इसमें आप लोगों ने डिजिटल पंचायत का नाम नहीं बताया ना चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम्म तो यही सारी चीजें बेटा जो मैंने बताई आप लोगों को ये सब यहां पे क्या लिखी है हिंदी में लिखी है आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वापस से पढ़ने के लिए बाकी जो जितना इंपॉर्टेंट था उसमें सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट था कि कोल्लम बना है बाकी और कुछ लिखने की इसमें आवश्यकता नहीं है कि किसके किसके प्रयास से बना है बस दिमाग में इतना रखना कि लोकल प्रयास ही हुआ था जिसके जरिए ये चीजें हुई हैं ठीक है ठीके? तो अभी आ जाते हैं हम ये आ जाते हैं अपने नेक्स्ट न्यूज में चाइनाज पॉपुलेशन फर्स्ट टाइम सिंस उन्नीस मतलब इकसठ के बाद पहली बार चाइना की जो पॉपुलेशन है चाइना की जो जनसंख्या है उसमें क्या आई है कमी आई है चाइना की जनसंख्या आप देख पाते हैं कि चाइना सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या के मामले में अगर कोई देश है था तो चाइना रहा है ना अभी हम लोग क्या कर रहे हैं उनको ओवरटेक कर रहे हैं क्योंकि चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी 1980 के दशक से लागू है और उसके परिणाम अब है जितनी वहां पे जन्म दर है उस ज्यादा वहां मृत्यु दर है। मतलब मृत्यु होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है जो जन्म लेने वाले लोग हैं उनकी संख्या कम है तो इससे वहां की पॉपुलेशन क्या हो रही है घट रही है एजिंग इस तरह से बेटा एजिंग पॉपुलेशन का भी एजिंग मतलब जो वृद्धों की संख्या आपकी बहुत ज्यादा हो जाती है युवा लोगों की संख्या बहुत कम रह जाती है जापान में भी यही समस्या जापान भी डील कर रहा है क्योंकि वहां पर वृद्ध लोगों की संख्या ज्यादा हो गई और जितने ज्यादा वृद्ध लोगों की संख्या रहेगी तो मेडिकल फैसिलिटी आपको उस तरह से प्रोवाइड करनी पड़ेगी है ना और वृद्ध लोग उतना अच्छे से मतलब उतना ज्यादा काम भी नहीं जितना एक युवा काम कर सकता है तो वो सारी चीजें होती है

और भी संख्या में जुड़ते चलो सारे कहां गए तो चीन की जनसंख्या इसमें क्या है चीन की जनसंख्या में सबसे बड़ी गिरावट वर्ष उन्नीस के बाद दर्ज की गई है चीन में अब नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि शुरू हो गई है चीन में मरने वालों की संख्या जन्म लेने वालों की संख्या से ज्यादा है चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो होता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो का काम क्या होता है सांख्यिकी ब्यूरो का उसका काम होता है सारी चीजों का लेखा जोखा रखना जैसे हमारे यहाँ जनगणना होती है तो जनगणना का जो पूरा लेखा जोखा होता है पूरा डेटा होता है किसके पास होता है सांख्यिकी विभाग के पास होता है ठीक है तो दो के अंत में चीन की जनसंख्या लगभग आठ लाख पचास हजार घटकर और ये कितनी हो जाएगी एक दशमलव चार एक बिलियन हो गई है कितनी हो गई है अभी तक प्रधानमंत्री जी कहा करते थे एक चार, मतलब एक करोड़ एक तीस करोड़ करोड़ भारतीय अब कहना होगा कि भारत में एक करोड़, एक पता नहीं इस बार की जनसंख्या हो जनगणना हो दो हजार इक्कीस में होनी थी दश जनगणना होती हर दस साल में हमारे यहाँ होती है लेकिन कोरोना के कारण इस बार की जनगणना हमारी नहीं हो पाई है तो अब देखिए जब भी होती है तो उसका भी डेटा हमको याद करना होगा तो अच्छा जनगणना का डेटा आपको

कमी आ गई है ठीक है यस वेरी गुड आशुतोष पोलम बर्रा एकदम सही लिखा है आपने चलिए सरला सरला बेटा वो तो मैंने एक रेफरेंस दिया था है ना आप बोल रहे हैं कि मैम हमारे यहाँ बाकी कंट्री में बेरोज बेरोजगार हर कंट्री में बेटा 2022 का जो समय काल था कोरोना के बाद का समय काल है हर जगह पूरी दुनिया में ही बेरोजगारों की संख्या बढ़ने वाली क्यों क्योंकि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का एक दौर आने वाला है लेकिन भारत में सच कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि भारत की जो इकोनॉमी है भारत की जो इकोनॉमी एक तरह से एक तो मिश्रित इकॉनॉमी है भारत की इकॉनॉमी का मतलब सेगमेंट ही अलग है 2008 में भी जब मंदी आई थी वैश्विक स्तर पर तो वो उस मंदी की मार में पूरा विश्व आ गया था लेकिन भारत बचा रहा था चाइना भी अपने जो मतलब जोड़ तोड़ करके वो भी अपने आप को बचा पाया था लेकिन इस बार जो मंदी आएगी इसमें भारत फिर भी बचा रहेगा लेकिन चाइना इसलिए चपेट में आ गया क्योंकि कोरोना की मार उस पर बहुत ज्यादा पड़ी और उसने एक तरह से जो लॉकडाउन की एकदम जीरो कोविड पॉलिसी जो उसकी थी कि कोई भी कोविड का पेशेंट नहीं मिलना चाहिए जनता को ही वन पॉलिसी जो इसकी थी। इसके चीन में उच्च शिक्षा बहुत महंगी है यहाँ पे उच्च शिक्षा भी बहुत महंगी तो लोग बच्चे पैदा ही नहीं करते जिसने कई चीनी लोगों को एक से अधिक बच्चे पैदा करने पर रोक लगा दी है महिलाओं के बच्चे नहीं चाहने का मूल कारण समाज और पुरुषों द्वारा बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी लेने की विफलता है तो थोड़ा सा स्टाइल भी चेंजेस हुए हैं दैट्स वाई तीन साल से लागू चीन की सख्त शून्य कोविड नीतियों ने देश के जनसंख्य दृष्टिकोण और नुकसान पहुंचाया है यानी जो जीरो कोविड पॉलिसी है जीरो कोविड पॉलिसी ने भी बहुत नुकसान अगर आप लोग अभी न्यूज में देखते होंगे चाइना अपने से बाहर आने ही नहीं देता है ना अभी भी देखो जब ये जो दो में हम लोगों को जो कोरोना हमारे देश में लागू हुआ पहला लॉकडाउन याद अगर आप लोगों को हो तो मार्च में लगा था है ना इक्कीस मार्च के अराउंड लगाया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने लॉकडाउन दस दिन का लगा था लेकिन चाइना में उससे पहले ही कोविड के मामले 2019 के सितंबर से आ गए थे लेकिन उसने पूरी दुनिया से छुपा के रखा अगर उसने तभी बता दिया होगा तो होता तो ये पूरी वैश्विक महामारी ना बनती है ना लेकिन उसने क्या किया उसने अभी भी वो चीजें छुपा रहा है अभी भी पूरी दुनिया के लोग उससे पूछ रहे हैं कि भाई बताओ क्या दिक्कत है तुम्हारे यहां इतने ज्यादा लोग क्यों मर रहे हैं अभी मतलब कौन सा नया वेरियंट आ गया कि जिससे हर बार ही कोरोना का नया वेरियंट आता रहता है फिर भी चाइना चीजें छुपाता है लेकिन हमें इधर उधर से जो चीजें ग्लोबल टाइम्स से या फिर इधर उधर जो स्पाइस लगे होते हैं उनसे जो चीजें पता चलती हैं तो ये जनरल उसमें आती हैं मिस्टर अक्षय यादव करंट अफेयर की नोट्स कैसे बनाने हैं करंट uh, अफेयर के नोट्स बनाने के लिए बेटा मैंने वैसे बोला है कि जैसे पूरी न्यूज रहती है इस पूरी न्यूज में आपको सिर्फ एक लाइन में उस न्यूज को कंप्लीट करना है हां अगर उसमें कुछ ज्यादा तथ्य होंगे तो हम बोलेंगे कि ये तथ्य इंपॉर्टेंट है इसको आप लोग लिख लीजिए क्योंकि पूरे एक दिन की जैसे मैंने न्यूज पढ़ाई उस एक दिन की न्यूज को आपको आधे पेज में कंप्लीट करना है क्योंकि बेटा अगर एक पेज या दो पेज में एक दिन की न्यूज कर रहे हो तो पता लगा रिविजन करने जब बैठे तो एकदम इतना बड़ा पोथी पत्रा एकदम आपका तैयार हो गया और वो रिविजन नहीं हो पाएगा तो आधे पेज की बस न्यूज उसमें तैयार करनी है पूरी एक दिन की न्यूज मतलब न्यूज सारी लिखनी है उसमें हम खुद बता देते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये कम इंपॉर्टेंट है नहीं भी लिखोगे तो चलेगा है ना तो इस तरह से आपको न्यूज वो करते हुए चलना है वेरी गुड विनीत हाँ यूपी सिक्सटी होली के दो दिन बाद ही लग गया था तो चलिए अब आते हैं अपने नेक्स्ट ने, ने न्यूज में नौ सैनिक अभ्यास वरुण ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का इक्कीसवा संस्करण आयोजित किया जाएगा यानी कि जो आयोजित किया जाएगा नहीं बेटा आयोजित हो चुका है सोलह जनवरी से बीस जनवरी तक चलना है आज कौन सी जनवरी आज अठारह तारीख है ना तो इसमें ये सारी चीजें तो इक्कीसवा संस्करण आयोजित किया जाएगा यानी एक्सरसाइज वरुण का एक्सरसाइज वरुण ये है हमारी और ये द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है द्विपक्षीय यानी बाइलेट्रल है ना तो याद करो बेटा मैंने वरुण गरुण शक्ति वरुण को मैंने कहा था वरुण किसको समुद्र के देवता को कहते हैं ना तो वरुण ये सामुद्रिक अभ्यास है जिसमें देखिए जहाज बना हुआ भी है डिस्ट्रॉयर बना हुआ है तो ये जो सामुद्रिक अभ्यास है नेवल अभ्यास है ये आपका किसके साथ होता है ये आपका फ्रांस के साथ होता है फिर नेक्स्ट उसके बाद मैंने कौन सा बताया था गरुण जो बताया था मैंने गरुण क्या कहा था पक्षी राज जो गरुण गरुण थे ना तो एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो गई होती है गरुण वाली एक्सरसाइज ये भी फ्रांस के साथ होती है फिर तीसरी मैंने बताई थी शक्ति एक्सरसाइज शक्ति थल सेना की एक्सरसाइज है ये किसकी एक्सरसाइज है थल सेना की एक्सरसाइज है चलिए फिर इसमें आगे देखते हैं और ये रहा हमारा इधर इधर हम आ जाते हैं तो ये 16 जनवरी 2023 से शुरू हुई है और ये 21वें नंबर की इस न्यूज में आपको सिर्फ इतना लिखना है ट्वेंटी फर्स्ट ऐसे करके लिखना ठीक है ट्वेंटी फर्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वरुण और ये किसके साथ होती है इंडिया और फ्रांस के बीच होती है कहां हो रही है ये भी लिख लेना वेस्टर्न सी बोर्ड में हो रही है कहां हो रही है वेस्टर्न सी बोर्ड यानी भारत के पश्चिमी पश्चिमी ओर हो रही है ठीक है क्लियर रहा यस यस पराशर विनीत पांडे वीर गार्जियन अब आप बताइए विनीत वीर गार्जियन किसके साथ होती है अभी कुछ दिन पहले ही मैंने पढ़ाया था पूजा हिंद जय हिंद बेटा पूजा चलिए तो आ जाते हैं तो ये एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड फॉर फाइव डेज फ्रॉम 16 टू ट्वेंटी जनवरी कितने दिन तक चलेगी 16 से 20 जनवरी तक पांच दिनों तक चलेगी ठीक है द करेंट एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज विल इन्वॉल्व इंडियन नेवीज इंडियन जीनियस गाइडेड मिसाइल स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर शिप आई एन एस चेन्नई गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ई एन एस तेग नौका मेरी टाइम ये सब याद अपोसाइड एन एट आई डॉर्नियर इंटीग्र ये सब याद करने की आवश्यकता नहीं है कि इस एक्सरसाइज में कौन कौन से जो वाहन होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे अभी आप लोग के एग्जाम में इतना टफ नहीं पूछता है ठीक है अभी आपके एग्जाम में सिर्फ इतना इतना तो बेटा जो नेवी में जो होगा उसे ही पता होगा ठीक है उसे ही पता करने की आवश्यकता भी है बाकी आप लोग आप लोग स्टूडेंट्स हो आप लोगों को सिर्फ एग्जाम में ये पूछ सकता है कि ये एक्सरसाइज किसके साथ होती है ठीक है तो इतना हो गया बाकी द फ्रेंच नेवी विल बी प्रेजेंटेड बाय एयरक्राफ्ट कैरियर चार्ल्स अब ये भारत की नेवी का जब नहीं याद करना तो फ्रांस की नेवी का ही क्यों याद करना है कि क्या क्या वो लेके आएगा मतलब भारत अपने कौन कौन से वाहन लेके पहुंचेगा तो इनहांस एयर डिफेंस एक्सरसाइज टेक्टिकल सर्फेस फायरिंग रिप्लेसमेंट एंड अदर मैरी टाइम दिस एक्सरसाइज और इसका नाम ये आपकी जो एक्सरसाइज है बायोलेट्रल एक्सरसाइज ये फ्रांस और इंडिया के बीच में स्टार्ट हुई थी कब स्टार्ट हुई थी उन्नीस में इसका नाम वरुणा इन द ईयर दो में रखा गया था कब बेटा ये शुरू हुई थी उन्नीस में, में शुरू हुई थी कभी शुरू हुई थी उन्नीस में, में शुरू हुई थी क्लियर रहा

यस yes, यूपी सिक्सटी हया कुमारी और इरुमा एयरबेस पे हमारा वीर गार्जियन एक्सरसाइज चल रही है वेरी गुड बेटा आप लोगों के आंसर देख के ही तो हमें बहुत अच्छा लगता है ना कि आप लोग इतना आ, मतलब डिलीजेंटली होके उसको पढ़ रहे हो उस सारी चीजों को है ना चलिए तो बेटा ये सारी चीजें इसमें क्या है हिंदी में लिखी हुई हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये आखिरी लाइन है ये आखिरी लाइन है कि भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच में द्विपक्षीय अभ्यास वर्ष उन्नीस में, में शुरू हुआ था और इसका नाम वरुण कब रखा गया था 2001 में रखा गया था कब रखा गया था वरुण कब रखा गया था दो में रखा गया था आगे बढ़ जाए तो इसमें हम देखते हैं और इसमें ये देख लेते हैं कि जो बाईनियल एक्सरसाइज है जो यहाँ यहाँ पे हमारी ट्रेनिंग एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया और फ्रांस के बीच में है तो इसमें देखो बाई एनुअल का मतलब होता है कि साल में दो बार बाई बाईनियल का मतलब होता है दो वर्ष में एक बार ठीक है तो ये जो गरुण एक्सरसाइज है गरुण विल बी आ, इंडियन एयरफोर्स के बीच में है ये ये गरुण की हो गई वरुण की हो गई वरुण आपकी कहाँ पे वरुण जो बीसवा एडिशन हुआ था ये आपका कब हुआ था दो में हुआ था ये आपका कब है ये आपका इक्कीसवा एडिशन है जो कि दो में हो रहा है शक्ति एक्सरसाइज आपकी क्या है ये छठा एडिशन था इसका और ये आपकी ये आपका युद्ध अभ्यास शक्ति 2021 बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड फ्रांस और ये आपकी शक्ति क्या है बाईन मतलब दो साल में एक बार होती है दो साल में एक बार होती है नौसेना वाली लगभग हर साल ही हो रही है ठीक है यानी पिछले साल भी हुई थी इस बार भी हुई है तो क्लियर रहा वेरी गुड आशुतोष वेरी गुड गुड्डू आपने पांचों के ही आंसर एकदम सही दिए हैं वेरी गुड वेरी गुड बेटा आशुतोष हां सुंदरम वेरी गुड खुशी वेरी गुड बेटा चलिए आगे बढ़ते हैं इससे पहले आगे बढ़े तो हम एक मिनट देख लेते हैं कि जो वाका आपका एयरफोर्स नेवी आई 2023 का ये जो आपका है बैच है नया बैच शुरू हो चुका है और ये एम लर्निंग ऐप के बारे में ये सारी चीज़ें हैं नए हमारे बेटा अब जो ग्रुप सी के लिए भी है एनडीए में जो जाने वाले होते हैं उनके लिए भी नए बैचेस शुरू किए गए हैं उनके लिए भी पढ़ाई के लिए जो तैयारी करने का ऐसा ना हो कि केवल कमीशन जॉब के लिए ही मतलब तैयारी ऐसा नहीं है सारी चीज़ों के लिए तैयारी कराई जा रही है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं लर्निंग ऐप के बारे में चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की ओर हमारे वेरी गुड यूपी सिक्सटी आपने भी सही जवाब दिया है लेकिन यूपी सिक्सटी आपने क्रम गड़बड़ कर दिया बेटा क्रम आपको सही करना है, है ना आपने दूसरे तीसरे को आगे कर दिया पहले वाले को पीछे कर दिया है ना। लेकिन फिर भी ठीक है बेटा बहुत सही वेरी गुड वेरी गुड गुड्डू टोक्यो इज इनशी आइलैंड वेरी गुड तो अब अगली न्यूज हमारी क्या है संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान स्थित अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है अभी क्या है बेटा संयुक्त राष्ट्र में जब भी किसी आतंकवादी को इन, इनकी शक्ल देख पा रहे हैं ना आप लोग है ना इन्हें क्या किया गया है आतंकवादी घोषित किया गया है तो जब भी यूनाइटेड नेशन में किसी को भी यूनाइटेड नेशन में यूनाइटेड नेशन में भी क्या यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी यूएनएससी इसका दिसंबर मंथ की यानी पिछले महीने की अध्यक्षता भारत कर रहा था अभी तो भारत उसका नॉन परमानेंट मेंबर था इसमें कितने मेंबर होते हैं जो पांच परमानेंट होते हैं दस नॉन परमानेंट होते हैं तो नॉन परमानेंट वाले दो दो साल में चेंज होते रहते हैं ठीक है तो यू में ये क्या होता है जब भी हम किसी आतंकवादी को कहते थे कि इसको ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करो अच्छा ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने से क्या हो जाता है आप लोगों को लगेगा तो बेटा ग्लोबल टेररिस्ट टेररिस्ट

क्या कर कर देता था वीटो कर देता था अच्छा, वीटो वीटो अच्छा का मतलब ये होता है कि अगर पांचों सहमत हुए हुए तो हुए, तो वो चीज आगे, तो आगे बढ़ती ही नहीं थी तो ऐसी सूरत में इस आतंकवादी को और ये जो आतंकवादी है हाफिज सईद का अगर आपने नाम सुना हो तो ये उन्हीं के क्या है साले साहब हैं ब्रदर इन लॉ है तो आगे इनके बारे में देख लेते हैं और इन्होंने क्या कारनामे किए हैं तो यूएनएससी की आईएसआईएल एस और अलकायदा प्रतिबंध समिति के तहत उसे वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया है ठीक है तो यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे क्या किया है वैश्विक आतंकवादी घोषित किया वेरी गुड गुड डू आपने परमानेंट मेंबर्स के नाम बता दिए वेरी गुड जिनके नाम है आपके यूएस रशिया फ्रांस यूके चाइना ठीक है तो अब इसमें क्या है जून 2022 में भारत ने प्रतिबंध समिति जिसे यूएनएससी एन बारह समिति के रूप में भी जाना जाता है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है इसमें ये होगा आपसे ये भी पूछा जा सकता है ये सी के स्टूडेंट्स जो भी सी के स्टूडेंट्स इसको देख रहे होंगे वो भी ध्यान से देखें कि यू की जिस समिति के तहत इसको क्या किया गया है इसको आगे चीजें की जाती है इन लोगों को प्रतिबंधित किया जाता है उसका नाम क्या है यू एन है ना ट्वेल्व

अब गया है ना तो मक्खी लश्कर तैयबा प्रमुख और छब्बीस ग्यारह के मास्टर हाफिज सईद का साला है तो ये हाफिज सईद का क्या है हाफिज सईद का ब्रदर इन लॉ है ठीक है कौन ये मक्की लश्कर तैयबा का हेड है ना हाफिज सईद खैर पाकिस्तान में तो स्थितियां ही बहुत गंभीर है जो तहरीक तालिबान जो आपका है जो पाकिस्तान की पार्टी है पाकिस्तान तालिबान देखो एक बेटा अफगान तालिबान है अफगान तालिबान ने तो अफगानिस्तान में कब्जा कर लिया और वहां पर शासन कर रहा है लेकिन एक पाकिस्तान तालिबान भी है और वो पाकिस्तान तालिबान जिस तरह से अफगान तालिबान ने कब्जा किया है उसी तरह पाकिस्तान, तालिबान पाकिस्तान पे कब्जा करना चाहता है लेकिन ये हमारे देश के लिए हो जाएंगे, बहुत इस तरह से वहां मतलब इतनी बुरी हालत है इकोनॉमी कितनी बुरी हालत है लोग सिलेंडर में गैस भरने की जगह बलून में भर के लेके जा रहे हैं तो कितनी बुरी स्थिति है पाकिस्तान में है ना अलग देश चाहिए था अलग देश चाहिए था चलाना नहीं आता लेकिन अलग देश उनको चाहिए था तो अमेरिकी सरकार ने अब्दुल रहमान पर दो मिलियन डॉलर का इनाम रखा था ठीक है इसी पर अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार दो में एक पाकिस्तानी आतंकवाद रोधी अदालत ने मक्खी को आतंकवाद के तो बस आपको याद रखना याद रखना रखना है 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 मक्खी से कि ये आपका क्या है? ये आपका आपका क्या ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो गया है अब और चीज क्या है वेरी गुड विनीत यूके रशिया आ, बिल्कुल सही आशुतोष हाँ यूएनएससी स्टैब्लिश हुआ था उन्नीस में बेटा पूरा यूनाइटेड नेशन उन्नीस सौ में स्थापित हुआ था ये आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ठीक है तो इसमें वही सारी चीजें लिखी हुई हैं अब नेक्स्ट हमारा क्या है जो एनडीए का फाउंडेशन बैच हमारा हो गया है इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ के लिए इसकी भी शुरुआत हो चुकी है इसके लिए आपको लर्निंग ऐप अगर आप ऑनलाइन अगर आप ऑफलाइन क्लास करने में सक्षम नहीं है तो ऑनलाइन बैचेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ये रहा पूरा लर्निंग ऐप का ये रहे नंबर्स एडमिशन ओपन हो चुका है नंबर्स पे कॉल करके एडमिशन लेना है ठीक है और इसको स्क्रीन ले लीजिए आप लोग है ना स्क्रीन ले लीजिए इसमें ये सारी फैसिलिटीज लाइव क्लासेस डाउट काउंटर वीकली मॉक टेस्ट नोट एक्सपर्ट फैकल्टी रिकॉर्डेड लेक्चर्स ये सारी ही सुविधाएं यहाँ पे क्या की जाएंगी प्रोवाइड की जाएंगी क्लियर रहा चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज है हमारी बार्सिलोना ने चौदहवीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है तो बार्सिलोना ने फोर्टीन टाइम्स यानी चौदहवीं बार ये क्या ये क्या किया है स्पेनिश सुपर कप जीता है तो अब देख लेते हैं स्पेनिश सुपर कप ये है क्या तो सऊदी अरब के रियाद में पहली बार तो ये हो कहाँ रहा था मैच तो सऊदी अरब के रियाद में किंग स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में बार्सिलोमा के लिए तो ये ये चीजें बस इसमें है दो के बाद पहली बार कुल मिलाकर चौदहवीं बार सुपर कप जीता है तो बस आपको ये याद रखना है स्पेनिश सुपर कप किसने जीता है तो बार्सिलोना बार्सिलोना की टीम ने जीती है कहाँ हो रहा था सऊदी अरेबिया के में हो रहा था क्लियर है ना मुस्कान पाकिस्तान में हिंदू है बेटा लेकिन बहुत कम संख्या में है सिद्धार्थ यूएनएससी स्टैब्लिश 1945, फोर्टी okay. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज भी हमारी काफी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि ए ने नालंदा में दो बारह सौ साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की एनडीए के स्टूडेंट सीडीएस के स्टूडेंट्स एयरफोर्स के स्टूडेंट्स सभी के लिए ये क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है खास तौर से सी वाले स्टूडेंट्स उनको बहुत ज्यादा डेफ्थ में पढ़ने की इसको आवश्यकता है क्यों सबसे पहले तो आप लोग तुरंत मुझे बताएंगे ए की स्थापना कब हुई थी है ना मैंने बताया था किसने कराई थी फर्स्ट जो डायरेक्टर थे वो ए के कौन थे है ना तो ये चीजें आपको बताते हुए चलना है और दूसरा बेटा क्या है अब जैसे इसने नालंदा के बारे में नालंदा के बारे में खोज हुई तो इतिहास में भी नालंदा के इतिहास के क्वेश्चन पेपर में आपसे नालंदा के बारे में पूछ सकते हैं क्यों क्योंकि नालंदा करंट अफेयर में अभी न्यूज में बना हुआ है तो नालंदा के बारह साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की गई है ये आपकी किसने की है ए ने देखिए बेटा पुरानी जितनी भी संरचनाएं होती हैं जैसे अगर आप वाराणसी जाएंगे सारनाथ है वहां पे तो ये बौद्धिस्ट जो प्लेसेस तो यहां पे बोधिस्ट प्लेसेस कोई भी प्लेसेस होंगे तो इनकी रक्षा का, का काम कौन करता है एएसआई करता है इनके संरक्षण का है का एएसआई करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व तो विभाग पुरातत्व तो सर्वेक्षण विभाग ठीक है तो यह रहा हमारा नालंदा देखिए बहुत खूबसूरत था नालंदा अब आप, आप लोग अगर मुझे बताएंगे कि नालंदा की स्थापना कौन से राजा ने चलिए हम हिंट दे देते हैं गुप्त वंश के राजा ने नालंदा की स्थापना कराई थी आपको उनका नाम बताना है उनकी उपाधि के साथ चलिए अच्छा उपाधि भी बता दी शक्रादित्य लगता था उनके नाम के आगे तो आपको बताना है उनका नाम बताना है वेरी गुड uh, सबने बिल्कुल uh, की स्थापना का वर्ष तो सबने एकदम सही बताया है शाबाश बेटा वेरी गुड तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पटना सर्किल ने राज्य के नालंदा जिले में विश्व विरासत स्थल नालंदा महाविहार के परिसर के भीतर सराय टीला के पास भू निर्माण गतिविधियों के दौरान दो बारह सो साल पुराने लघु स्तूपों की खोज की कहा वही मतलब उसी प्रमेस के अंदर वही नालंदा का पूरा जो क्षेत्र था उसी के अंदर दो नए टीले खोज निकाले हैं बुद्ध की आकृतियों को दर्शाने वाले पत्थरों को तराश कर बनाए गए ये स्तूप बारह सो साल पुराने हैं और बुद्ध की आकृति को देखिए बेटा बुद्धिस्ट जो धर्म था शुरुआत में बुद्धिस्ट जो मेन बुद्धिज्म था वो ही यान था मतलब वो लोग क्या थे एक तरह से सनातन में जो उस समय जो पद्धति चली आ रही थी उसमें जो आडंबर थे आडंबर का विरोध

वेरी गुड लेफ्टिनेंट आर के ने बिल्कुल बिल्कुल सही बताया है शाबाश वेरी गुड वेरी गुड इसका आंसर हम नहीं देंगे ताकि जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं वो भी तो आंसर करें वैसे रिकॉर्डेड लेक्चर में आप लोग बहुत बढ़ चढ़ के कमेंट सेक्शन में आंसर करते हो इससे क्या होता है बेटा कई जो नए स्टूडेंट जैसे देखने आते हैं ना जो रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हैं उनको आंसर्स देखने के लिए मेरे आंसर देने का नेक्स्ट सेशन में वेट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती क्योंकि नीचे आप लोग चार पांच छह सात स्टूडेंट्स हैं हमारे जो रेगुलर ही जैसे सत्य हो गया ये गुड्डू हो गया आशुतोष हो गया ये हमारी पूजा हो गई मुस्कान हो गए है ना विशाल है विशाल भी आंसर करता है तो ये सारी चीजें आप लोग आंसर करके पहले ही बता देते हो चलिए तो स्तूपा एवॉल्ड फ्रॉम ये इन तिब्बत एंड पगोड़ास इन ईस्ट एशिया ठीक है ये ईस्ट एशिया में ये तिब्बत में जो ये जो कॉटन से बनते थे और पूर्वी एशिया में पगोड़ा बना करते थे म्यांमार में आप जाओगे तो जो बुद्धिस्ट टेम्पल टाइप के बने होते हैं उनको पगोड़ा कहा जाता है ना व्हाइट पगोड़ा ब्लैक पगोड़ा तो उसी तरह से ये स्तूप बनाए गए थे तो चलिए अब नेक्स्ट न्यूज में बढ़ते हैं उससे पहले ये हमारे फाउंडेशन बैच के बारे में ये चीज तो खैर हमने कर ली है उसी के बारे में यहां एक बार फिर से दिया गया है ठीक है चलिए फिर आगे गुड मॉर्निंग पंकज चलिए आगे बढ़ते हैं फिर ये रहा हमारा परख रेगुलेटर बींग ये जो हमारा ऐप है बींग सेटअप ये इसके बारे में जान लेते हैं तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग नोटिफाइड इंडिया का पहला नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर परख अब ये परख क्या है परख नाम से ही समझ में आ रहा है किसी चीज को परखना किसी चीज को जांचना तो परख ऐप है इसका फुल फॉर्म हम देखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या है इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस अप्रेजल रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट परख यानी इसका क्या है प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा और ज्ञान के विश्लेषण के लिए ये क्या है विश्लेषण के लिए इसका पूरा फुल फॉर्म ही यही है, है तो परख ये आपका किसने लॉन्च किया है ये भी देख लेते हैं इट विल एक्ट एज कंपोनेंट ऑफ एनसीआर एनसीआर टी जिसकी किताबें आप लोग पढ़ते होंगे स्कूल टाइम में एनसीआर टी की किताबें है ना इवन जो लोग कंपिटिशन uh, की तैयारी करते हैं उनको भी कहा जाता है कि बेसिक किताबें जो आपको पढ़नी है एनसीआर टी की पढ़िए है, है ना तो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं तो एनसीआर टी की तरफ से

ना, तो दिस फ्रेमवर्क विल ऑल्सो एक्ट टू चेक द एम्फेसिस ऑन रोड लर्निंग एंड बाय द पॉलिसी दो हजार बीस तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति दो हजार बाईस दो हजार बीस आई थी उसके अनुसार यह था कि एक तरह का इस तरह का क्या होना चाहिए एप होना चाहिए डी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इंटरनेशनली ठीक है तो भारत में और इंटरनेशनली अंतरराष्ट्रीय रूप से इसको क्या करना है समझना है किस तरह से भारत की शिक्षा पद्धति में और सुधार किया जा सकता है इसके बारे में ये सारी बातें थी अब आ जाते हैं अब हमारा सेशन बेटा लगभग समाप्ति की ओर है अब आज के संगठन के बारे में देख लेते हैं आपको आज के क्वेश्चन थोड़ा सेशन में स्टार्टिंग में पाँच मिनट का व्यवधान भी हुआ था तो इस वजह से पाँच मिनट हम एक्स्ट्रा आपका लेंगे मुझे पता है आपकी नेक्स्ट क्लासेस भी हैं लेकिन फिर भी चलिए तो एनडीएमए में आ जाते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आज का जो हमारा संगठन है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इसको लिख लेना ठीक है इसमें देखना है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ये संगठन बना कब था ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है इसका काम क्या है ठीक है

यस yes, बिल्कुल छाया एकदम सही जवाब दिया विष्णु करवा राम 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 बेटा चलिए तो अभी हम इसको क्या करते हैं शुरू करते हैं तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है निकाय का मतलब होता है स्टैचुटोरी बॉडी इसका मतलब क्या होता है ये आपका वैधानिक निकाय है यानी कि ये स्टैच्यूटोरी बॉडी है मतलब कानून के तहत इसको बनाया है देखो एक होती है संवैधानिक निकाय यानी जो इसका मतलब जिसका भी मैंशन कॉन्स्टिट्यूशन में हो संविधान में जिसका मैंशन हो उसको बोलेंगे धानिक बॉडी और जिसको कानून के तहत बनाया गया हो उसको कहते हैं वैधानिक बॉडी तो ये वैधानिक बॉडी है

ट रिस्पॉन्स टू नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर एंड फॉर फेयर कैपेसिटी बिल्डिंग और डिजास्टर मतलब इसका प्राइमरी यही है कि कहीं पे भी आपदा हो तो बेटर तरीके से उसको कैसे सॉल्व किया जाए बेटर तरीके से वहां के लोगों को कैसे राहत पहुंचाई जाए ये काम रहता है इनका ठीक है और इसका विजन क्या है टू बिल्ड अ सेफर एंड डिजास्टर इंडिया होलिस्टिक प्रोएक्टिव टेक्नोलॉजी ड्रिवेन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी मतलब भारत को एक सुरक्षित देश बनाना है आपदा रहित देश बनाना है ये इनकी स्ट्रेटेजी इनका विजन है तो चलिए आगे देख लेते हैं और ये देर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर एस डी एम ए फॉर द स्टेट एंड डी डी एम ए फॉर द डिस्ट्रिक्ट केवल ऐसा नहीं है कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एनडीएमए है राष्ट्रीय स्तर पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है राजकीय स्तर पे और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी है जिला स्तर पे जो जिला जैसे उड़ीसा के कुछ जिले होंगे जो तटीय स्तर पे होंगे जहां साइक्लोन आते रहते हैं तो ऐसे क्षेत्र में ये आपका क्या होगा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी डी भी होगा ठीक है और इसका जो एनडीएमए है बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है एनडीएमए का हेड कौन होता है एनडीएमए का हेड प्राइम मिनिस्टर स्वयं होते हैं प्राइम मिनिस्टर एज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन चेयरपर्सन अब आपके दिमाग में आएगा मैम ये एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या है हिंदी में इसको बोलते हैं पदेन अध्यक्ष

रोहित ठाकुर आपका ट्वेंटी को एग्जाम है ऑल द वेरी बेस्ट रोहित बहुत अच्छा करके आना है एग्जाम अच्छा मुस्कान हाँ मुस्कान आपने थर्ड में बोल दिया था कि मैम इसका आंसर मुझे नहीं आता चलिए खैर इसमें हम आगे आगे देखेंगे भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है जल्दी जल्दी आंसर करना है है ना खैर इसके आंसर कल भी आप लोग करेंगे कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करते जाना है मनोज गुड मॉर्निंग तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से बताइए आगे बढ़ जाए क्वेश्चन की ओर अगला प्रश्न है किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 जीता है किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए खैर इसका आंसर भी बड़ा ही ऑब्वियस सा है हमारे देश की एक फिल्म है चलिए हम हिंडी दिए दे रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छा कर रही है वो और हमारे एज अ भारतीय हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है है ना अगले प्रश्न पर आ जाते हैं अगला प्रश्न है हमारा किस संस्था ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 जारी की है किस संस्था ने जारी किया है वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023? जल्दी से बताना है आप लोगों को किस संस्था ने इसके बाद वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़ चढ़ के आप लोग आंसर्स कर रहे हैं चलिए अब इसके बाद आ जाते हैं हमारा ये आज के ये तो हमारे प्रश्न समाप्त हुए कल के प्रश्नों पे आ जाते हैं तो पहला प्रश्न जो हमारा था केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवेज एवं कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है तो बेटा अगरतला में किया था कहाँ किया था अगरतला में किया था इसका आंसर बहुत सारे लोगों ने अपने सही दिया था और फिर अगला प्रश्न था होम मिनिस्टर अमित शाह हैज रिलीज बुक टाइटल रिवोल्यूशनरीज़ रिवोल्यूशनरी उस किताब का नाम था द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम एट अ फंक्शन इन न्यू डेली तो इसका आपका लिखने वाले थे संजीव सान्याल किसने लिखी थी पुस्तक संजीव सान्याल इसका केवल पुस्तक का विमोचन किया था हमारे गृह मंत्री ने बाकी पुस्तक लिखी किसने थी संजीव सान्याल ने लिखी थी ठीक है अगला प्रश्न आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री क्रिएट्स न्यू मिनिस्ट्री फॉर इंडीजीनियस पीपल मतलब निम्नलिखित में कौन सा देश स्वदेशी लोगों के लिए नया मंत्रालय बनाता है तो इसका आपका आंसर था स्वदेशी लोगों के लिए आपके ये ब्राजील ने बनाया था किसने बनाया था ब्राजील ने बनाया था तो आप लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसके आंसर दिए थे सत्या ने दिया था मुस्कान ने दिया था आपके इसको आशुतोष ने दिया था मतलब तो तो बहुत सारे लोगों ने इसमें आंसर्स किए थे तो चलिए सबका नाम ले पाना संभव नहीं होता लेकिन हम फिर भी सबका उसमें मैसेज में हम कर देते हैं कि आपने बिल्कुल सही जवाब दिया ठीक है यस yes, मुस्कान जो सॉन्ग था वो नाटू नाटू सॉन्ग था वेरी गुड बेटा तो चलिए फिर आज के सेशन का ये हमारा आखिरी प्रश्न था फिर सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं आपकी भी नेक्स्ट क्लास होगी कल फिर मिलते हैं सुबह सात बजे मिलते हैं इसी तरह से बेटा पढ़ते रहो और जिनका भी एग्जाम है एयरफोर्स का उनको ऑल द वेरी बेस्ट है ना बहुत अच्छे से एग्जाम करके आना है रोहित आपको भी ऑल द वेरी बेस्ट तो अच्छे से एग्जाम करके आना है बेस्ट अपना दे आना है तो चलिए फिर कल के सेशन में मिलते हैं जय हिंद जय भारत